अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो इसके साथ ही मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसके जो कुछ क्लिप्स थे वीडियो के, वो मुझसे डिलीट हो गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इसमें हमने 1 kg बीफ है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद हमने अपना मीट ऐड कर दिया था। जब बीफ का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, उसमें 1 cup दही ऐड किया था, यानी कि योगर्ट। और उसके बाद 4 टमाटर स्लाइसेस के साथ वो ऐड किए थे, और पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, क्योंकि दही और थोड़ा सा मीट भी अपना पानी छोड़ता है। और साथ ही हमने टमाटर भी ज़्यादा से ऐड किए थे, और चंद मसाले हैं जिसमें सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, और टर्मरिक पाउडर, क्रश्ड रेड चिली पाउडर है। और स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और बस अभी इसका पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और मीट भी इसी में गल जाएगा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और स्पाइसेस भी लाइट से हैं, कुछ भी नहीं इसमें इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो इसमें 1 tablespoon कोई भी तिक्का मसाला ऐड कर दें, कोई भी मतलब आपके घर पे जो भी अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं, उससे एक अलग सा टेस्ट आता है। बस इसको मज़ीद आपने भूनते जाना है, और जब थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाएगा तो इसमें आपने फिर से दोबारा से 2 tablespoon ऑयल ऐड करना है, या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए मेरी रोटी भी जल गई है वीडियो बनाते बनाते। बस एंड में ये थोड़ा सा ऑयल जाएगा, 2 tablespoon ऑयल, और बस इसको भूनते जाएं। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। उसमें फिर आपने एक कोयला लेना है, उसको गर्म करके तो कोयले से उसका स्मोक देना है, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई हमारी आलमोस्ट रेडी हो चुकी है,
और इसको अब स्मोक देना है कोयले का, और बस फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है? मज़ेदार बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ नान या तंदूर की रोटी, घर की रोटी से भी मज़ा आता है, और साथ में पुदीने की चटनी हो तो फिर तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।